करीम साहब, तुम्हें कोई काम नहीं है वैसे? मेरा काम तो तुम ही हो एपेक। सुनो, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? तुम बीमार हो क्या? बहुत बुरी कंडीशन है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा दिल टूट गया है, और वो भी किसी हसीन लड़की ने तोड़ा है। मैं तुम पे अभी चीख भी नहीं सकती हूँ, हॉस्पिटल है ना। ए पैग यार, तुम तो 2 दिन में ही मुझसे बोर हो गई हो। ए पैग, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। अच्छा, क्या? तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? तुम्हारे दोस्त ने हयात को बहुत तंग किया हुआ है। यार उनको छोड़ो, तुम मुराद और हयात की बातें क्यों लेकर आ गई हो एपिक? और वैसे भी उनकी बात हम क्यों डिस्कस करें? वैसे भी मुझे किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं। मुझे एक बात बताओ जरा कि मेरी लवर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती है? मुझे खुद नहीं मालूम, कसम से नहीं मालूम कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा क्यों आता है। जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना, तो अपने आप ही गुस्सा आने लगता है मुझे। और अभी जो तुमने मुझे लवर कहा है ना, उस पे तो और गुस्सा आता है। तुम पे गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि तुम दूसरों जैसे नहीं हो। ऐसा ही है ना, तुम्हारे अच्छे होने की वजह से मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आता है करीम। तुम्हें मेरी एक और बात पर गुस्सा आता है। वो क्या है? करीम, इस चाय में तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है। तुम क्या मेरे लिए चीनी लेकर आओगे? अगर तुम कहो तो चीनी बनकर तुम्हारी चाय में घुल जाऊं। अभी लेकर आता हूं।